हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सारे, जरूर बताइएगा। तो आज आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड की, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे फीवर था काफ़ी दिनों से और अभी मेरी तबीयत ठीक है। पर अभी मैं हूँ ईशान और नेहा के घर में। मैं कल ही आई हूँ यहाँ पे और आज देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हिमाचल में। वैसे तो मैं घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आज बारिश बहुत ज़्यादा है तो फिर दीदी ने कहा कि आज रहने दो, क्योंकि आज रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और आज सबने न्यूज़ भी देखी होगी आपने, हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई जगह बादल फटे हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी भी देखिए बारिश शुरू हो गई, ऊपर पहाड़ों पर देखिए कितनी ज़्यादा धुंध छाई हुई है, बहुत ज़्यादा धुंध छाई है। और आजकल ना पहाड़ों में, मतलब आप अगर आना चाहें तो मत आइए, क्योंकि आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो आजकल पहाड़ों पे ना जाएं। और मणि महेश यात्रा जो कि आजकल हो रही है, उसे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ही तेज़ हो गई है हिमाचल में, तो आप अवॉइड करें। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। हम भीगना नहीं चाहते, नहीं तो फिर से फीवर हो जाएगा। आपको ईशान से मिलाते हैं, बहुत दिनों बाद ईशान से मिल रहे हैं आप सभी। मंडी से आने के बाद मैं आज ही मिला रही हूँ आपको ईशान से, है ना ईशान? तो ईशान काफी दिनों बाद ब्लॉग में आ रहा है। ईशान, जब मैं मंडी गई थी तो मेरी याद आई थी? नहीं आई, घनघोर बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती। ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है और आजकल ना पहाड़ों पे हरियाली ही हरियाली छा गई, और उस तरफ देखिए बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। आजकल ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और सुबह भी मुझे मम्मी की कॉल आई थी कि मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है मौसम ख़राब है। ये देखो, और आजकल देखिए पानी का बहाव कितना ज़्यादा बढ़ गया है। नीचे बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं और ये देखिए पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आजकल तो ना ये बारिश का पानी अपना रौद्र रूप ले रहा है, और वहाँ पे देखिए कोई क्या पता प्रोजेक्ट टाइप बन रहा है। और आजकल पहाड़ों पे हरियाली आप देख ही सकते हैं, नीचे किसी ने अपने पशु निकाले हैं चराने के लिए। चल ईशान फिर अंदर चलते हैं। ईशान अभी ये पढ़ाई कर रहा था थोड़ी देर पहले और अभी फ्री हो चुका है, तो बस अभी हम चाय पी के फ्री हो चुके हैं और अभी देखते हैं कि हम क्या करेंगे। घर भी मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, मंडी जब गई थी उसके बाद मैं पहली बार आ रही हूँ ईशान के घर, पहले नहीं आई। वैसे मुझे घर आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन मंडी जाने से पहले भी मैं काफ़ी टाइम पहले आई थी ईशान के घर, अभी बहुत टाइम बाद आ रही हूँ इसके घर, मतलब है ना। तो खातिरदारी कर मेरी। बस दो दिन हो गए खातिरदारी करते करते, पर खातिरदारी कुछ नहीं की इसने मेरी। क्या खातिरदारी की बता जरा, सुनते हैं ईशान से क्या खातिरदारी की। हजार बार तो चाय बनाई। ओह, आज चाय पिलाई ईशान ने मुझे और बोलता है हजार बार चाय बनाई, शर्म कर शर्म कर। दो दिन क्या बनाई। और ईशान के घर का जो दूसरे वाला वो है ना नाला टाइप का, या दरिया नहीं बोल सकते उसको, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका रूप भी आजकल बिल्कुल रौद्र हो चुका है। जो ऊपर से पानी आता है ना, छो वाला पानी आता है, वाटरफॉल वाला, वो वाला है वहाँ पे। और ये देखिए एकदम से पहाड़ों पे धुंध छा गई पीछे, बिल्कुल वाइट। ये देखिए थोड़ी देर पहले कोई धुंध नहीं थी और अभी देखो। और यहाँ ईशान के घर के पीछे बाइक्स लगी होती हैं, कभी दो कभी चार कभी छः, और पल्ली साइड भी लगी होती है। हर घर तिरंगा, ईशान के घर का तिरंगा। ये देखिए, ये देखिए मक्की कुछ इस तरह से है यहाँ पे, और हमारा नेशनल फ्लैग देखिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो कितने अच्छे से लहरा रहा है। और आजकल घास देखिए पहाड़ों पे काफ़ी अच्छी घास उगी हुई है, और कुछ टाइम बाद यही घास काटने को हो जाएगी नेक्स्ट मंथ तक। ये देखो फिर घास काटने का काम शुरू हो जाएगा, और पहाड़ों पे धुंध छाई हुई है ऊपर। देखो
तो ये है ईशान के घर के सामने वाला नाला, जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि ऊपर से आता है। वो पीछे जो छो है ना, जो मैंने आपको किसी पुरानी वीडियो में दिखाया है, जिसका लिंक मैं दे दूंगी आपको, तो वहाँ से ये पानी आता है। और पिछले कल आपने देखा होगा, इस पानी का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बारिश होने की वजह से देखिए इसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा हो गया है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखो, ये देखिए ईशान सुबह सुबह खाने की ओर टूट पड़ा। पिछले चावल और चीनी, कहाँ गया एपी? बुक्कड़ सारे शुरू हो गए। किस खुशी में? मैं बताऊं, मैंने तो यार खाया ही नहीं, सच्ची बात है। मैंने कहाँ खाया? ये देखो मुंह भी उतर गया है। ओ बस बस, मेरे को खाने नहीं देते। ले ले का नहीं खा। ये देखिए सनराइज भी हो गया सुबह के 8 बजे। अब आज थोड़ी ठंड हो चुकी है, यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है। चलो जल्दी, लेट हो गए। हम घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ का मॉर्निंग व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब ओस की बूंदों पे सूरज की किरणें पड़ती है तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा होता है। और ये है सूरज की पहली किरण, यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल हरियाली और उस पे सूरज की किरण। बाय। बाय। अपनी मम्मी का फोन रख लो। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम साफ है। और चलिए अभी घर चलते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं घर पहुंच के। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।